गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 4, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। लेसन 4 है संज्ञा। ये हमारा भाग एक हिंदी व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण मतलब आपका हिंदी भाग। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद क्या हैं और इसका कॉपी वर्क। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं इस पार्ट को। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है वो नाम शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है और जो नाम शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा जो है अगर उसकी परिभाषा हम लोग देखें तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए ये संज्ञा है जिसका ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इसको संज्ञा प्राणी मतलब व्यक्ति, जैसे व्यक्ति का उदाहरण क्या होता है, जैसे हमारे आपके सबके नाम है ये व्यक्ति, और जैसे रमेश है, नीना है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, ये सब क्या है, व्यक्ति हैं, पर्सन हैं और इनके नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर प्राणी जो पशु पक्षी जैसे जानवर जो है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब के नाम जैसे हिरण है, बिल्ली है, मोर है, इन सब के नामों को संज्ञा कहा जाता है। फिर आता है वस्तु। वस्तु वस्तु में जो थिंग्स हैं, जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये चौक है, ये श्यामपट है, ब्लैकबोर्ड है, कॉपी है, पुस्तक है, पुस्तिका है, और ये स्केल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, इन सब के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। जैसे फल है, थाली है, पुस्तक है, इन सब के नामों को भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब स्थान, स्थान क्या होगा, प्लेस, जितनी भी जगह है उन सब के कोई ना कोई नाम है, उन नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर देख लें, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, इसी तरह प्लेसेस जो हैं, जैसे विद्यालय है, चिड़ियाघर है, पार्क है, घर है, ये सारे भी स्थान हैं। इन स्थानों के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसी तरह जैसे फिर आप आइए, ये आपने पढ़ा स्थान के नाम को और ये पढ़ा वस्तु के नाम को, और ये प्राणी और ये व्यक्ति और ये पशु पक्षी के नाम को। अब हम लोग ये पढ़ेंगे भाव। भाव क्या होता है, जो हमारे भावना को व्यक्त करते हैं, जैसे जो हमारे भाव को व्यक्त करते हैं उनको हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख है, दुख है, हैरानी है, खटास है, मिठास है, मित्रता है, दुश्मनी है, ये सारे शब्द क्या हैं जो हमारे भाव को बता रहे हैं। इनको हम लोग भाव भी जितने भी हैं, भाव के जो नाम हैं उनको संज्ञा कहते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी मतलब व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमने इन सबके उदाहरण पढ़े। अब हम लोग इसमें देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन भेदों का अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु या कोई स्थान, पर्टिकुलर जो नाम का बोध कराते हैं उनको हम लोग संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी मतलब वो एक पर्टिकुलर नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह जैसे भारत है, भारत बहुत से देश हैं, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर देश की बात करते हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है और आपका अमेरिका है, ये सारे जब देशों की बात अलग अलग नाम से करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी तरह स्टेट्स नेम जैसे हैं, केरल है, उत्तर प्रदेश है, आपका
या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जो पूरी की पूरी जाति को बता रहा, मतलब इसे जाति से मतलब क्या हुआ, जो तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी भी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, तो उन शब्दों को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उस अब इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे आदमी, अब आदमी जो है पूरी जाति को बता रहा है, लेकिन अगर हम लोग आदमी किसी पर्टिकुलर आदमी की बात करेंगे, मान लो हमने बात की रमेश की, तो रमेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन जब आदमी की बात करना है तो ये जातिवाचक हो जाएगा, किसी जाति को बता रहा है। इसी तरह से शेर है, फल है, देश है, जैसे फल की बात कर रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी फल की बात करें, या देश, जैसे बहुत से देश हैं, लेकिन किसी एक देश की जब हम बात करते हैं, एक देश का नाम आता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। अभी पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द। किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, गुण दोष हर एक चीज में जो गुण है, दोष है, उसका स्वभाव है, मतलब उसका नेचर है, जो उसकी अच्छी बात है, बुरी बात है, उसका जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, हंसी है, मिठास, मित्रता आदि। हंसी, मिठास, शत्रुता, मित्रता और ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी भाववाचक संज्ञा में। क्लियर, ये आपने संज्ञा संज्ञा के लिए और ये संज्ञा के लिए आपने डिटेल में पढ़ा। अभी कुछ और संज्ञा से हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे देशों के नाम। हाँ, इसमें कई बार इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ देशों के नाम लिखो, मतलब संज्ञा शब्दों के नाम लिखो। जैसे तो देश, जैसे अभी आपको मैंने बताया, चीन, पाकिस्तान, ईरान, जापान, फ्रांस। फिर शहर, शहर में मुंबई है, पटना है, लखनऊ है, कानपुर है, जितने भी शहर हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। त्यौहार, त्यौहार मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल्स के नाम, जैसे होली है, ईद है, बकरीद है, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गुरुपर्व और पोंगल है, दुर्गा पूजा है, ये सारे आपके जो है त्यौहार के नाम हैं। नदियों के नाम, नदियाँ, रिवर्स मतलब गंगा, यमुना, कावेरी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। फिर इमारत, इमारत मतलब जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सब बिल्डिंग्स के नाम हो गए। खेल, खेलों के नाम, जो हम लोग गेम्स खेलते हैं उनके कई नाम आप लोग जानते हैं, जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है, और क्रिकेट है, और टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सारे खेलों के नाम हो गए। दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीने मतलब मंथ्स नेम है, और डेज नेम, जैसे सोमवार, मंगलवार हिंदी में जो है वो दिनों के नाम हो गए, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीनों के नाम हो गए। और पर्वतों के नाम, जैसे एवरेस्ट है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, और अरावली, ये सारे जो हिल्स रेंजेस आप लोग पढ़ते हैं, वो सारे ये इसके नाम आ जाते हैं। तो वैसे जो है संज्ञा जो है वो मैंने आपको बताया कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम शब्द ही संज्ञा कहते हैं। तो जो इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अभी ये आपने इस पाठ चार संज्ञा को पढ़ा, अब इसमें जो है हमको थोड़ा सा कॉपी में वर्क करना है, वो आपको क्या करना है, कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे, पाठ का नाम और उसका जो चैप्टर नेम है वो लिखिएगा, फिर विशेष डाल के संज्ञा के भेद लिखेंगे। संज्ञा के भेद ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन सबको उदाहरण सहित आपको ये लिखना है। इसके बाद ये है प्रश्न उत्तर, जो आपको लिखना है संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना और संज्ञा के भेदों को जाना, और इसको जो है हम लोगों को इसमें कॉपी का काम करना है, और इसके साथ ही आपको ये सारा वर्क लर्न भी करना है, और इसकी रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे, याद करने के बाद लिखेंगे भी। धन्यवाद।